ओके जी, रिएक्ट हम स्टार्ट कर चुके हैं। लास्ट टाइम हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था लर्निंग रिएक्ट के नाम से। रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले इसका एनवायरनमेंट हमें कंप्लीट करना पड़ता है। एनवायरनमेंट के लिए हमारे पास नोड जेएस होना चाहिए लाजमी। नोड जेएस को आप लोगों को पता है कैसे डाउनलोड करते हैं। नोड जेएस की वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ पर विंडोज़ यूज़ करें तो विंडोज़ के लिए, लिनक्स या फिर मैक। नोड जेएस जब इंस्टॉल हो जाए उसके बाद जहाँ पर आप लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं वहाँ पर आएँ और CMD ओपन करें। इस CMD में आप लोगों ने लिखना है npx create react app और यहाँ पर ऐप का नेम, ठीक है। ऐप का नेम हम रख देते हैं लेट्स सपोज प्रोजेक्ट 2, ठीक है। प्रोजेक्ट हम रख दिया। इसके लिए आपके पास नेट का होना ज़रूरी है। नेट होगा तो फिर ये इंटरनेट की मदद से आपके पास ये सारी लाइब्रेरीज वगैरह और इसका कंप्लीट प्रोजेक्ट जो वो डाउनलोड हो जाएगा। ओके जी, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के बाद आपके पास रिएक्ट है। ये आपके पास रिएक्ट रिएक्ट ES6 ES6 स्टैंड फॉर ECMAScript 6. Why should I learn ES6? React uses ES6 and you should be familiar with some of the new features like classes की ज़रूरत नहीं है हमें। क्लासेज ना React 16.8 से पहले यूज होता था, उसके बाद से फंक्शनल कंपोनेंट्स आ गए तो हमें क्लासेज की ज़रूरत नहीं है। एरो फंक्शंस आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि एरो फंक्शन किस तरह बनते हैं। वेरिएबल्स का पता है, लेट, कॉन्स्ट और वार। एरे मेथड्स लाइक मैप, फाइंड, फिल्टर, ठीक है, ये सारे मेथड्स, फॉर ईच और रिड्यूस, ये सारे मेथड्स, डी स्ट्रक्चर करना, मॉड्यूल्स, टर्नरी ऑपरेटर और स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर का मतलब होता है कि लेट्स सपोज आप दो ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट में मर्ज करना चाह रहे हैं, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट को आप लोग किसी एक ऑब्जेक्ट में स्प्रेड कर देंगे, तो हम उस पर भी आएंगे। टर्नरी ऑपरेटर आपका इफ एल्स होता है, लेकिन आप लोग JSX जहाँ पे HTML लिख रहे हैं वहाँ पे आप इफ एल्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। मॉड्यूल्स आप लोग एक्सपोर्ट कर रहे होंगे तो आप लोग उसको इंपोर्ट कर सकते होंगे। डी स्ट्रक्चर करना, वो भी हम अभी आगे पढ़ लेते हैं। प्रोजेक्ट हमारा कर सकते हैं, लेकिन पुराना प्रोजेक्ट जो है उसका बॉयलर प्लेट ही होता है। बॉयलर प्लेट से मुराद के यानी कि एक बेसिक जो फाउंडेशन है जो हर प्रोजेक्ट की होती है, ठीक है, उसी को कॉपी पेस्ट किया जाता है। बाकी सारी चीज़ें तो आपकी न्यू ही होती हैं। पर बहरहाल कोशिश करनी यही चाहिए कि जब भी कोई न्यू प्रोजेक्ट हो तो न्यू प्रोजेक्ट ही क्रिएट किया जाए। इससे क्या होता है कि रिएक्ट का वर्जन वगैरह जो है वो फिर आपका न्यू होता है, चेंज होता है। ओके, इसने इस बार नोटिस कर लिया कि NPM का जो है वो वर्जन चेंज हो चुका है। हम काफ़ी पुराना नोड जेएस यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी पुराने से मिला के शायद कोई साल डेढ़ साल पहले जो मैंने इंस्टॉल किया था ये वही चल रहा है। तो उसमें जो NPM इंस्टॉल हुआ था वो आपका हुआ था 10.5। इस टाइम जो लेटेस्ट जो है वो 10.9 चल रहा है NPM का वर्जन, ठीक है। तो जब नोड जेएस को अपडेट करेंगे तो ये भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। बहरहाल आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, यहाँ पर आए तो देखें आपके पास ये प्रोजेक्ट 2। राइट क्लिक, ओपन विथ कोड कर लें इसको। आप लोगों को याद होगा जब हम HTML को स्टार्ट किया, हमने एक एक्सटेंशन को इंस्टॉल किया था लाइव सर्वर, ठीक है, गो लाइव के लिए। उसी तरह रिएक्ट में भी अगर आप लोग कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें लाइक ES7+, React Redux, React Native Snippets। Snippets से मुराद ये होता है कि जिस तरह हम HTML में एक्सप्लेनेशन मार्क ऐड करते हैं तो कंप्लीट आपका स्ट्रक्चर बना हुआ जाता था, ठीक है, उसी तरह React के लिए आप लोग फिर इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ इम्पोर्ट कोस्ट, ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लें। इससे क्या होता है कि आपको पता लग रहा होता है कि आप जो लाइब्रेरी इम्पोर्ट कर रही हैं उसका बंडल साइज़ क्या बन रहा होगा, ठीक है, उसका साइज़ क्या आ रहा है, ठीक है। तो जितना कम साइज़ आ रहा हो उतना ही
बेहतर होता है। तो बहरहाल ये था शॉर्ट्स में। ओके, वीएस कोड में भी आप लोग टर्मिनल को ओपन कर सकते हैं, सीएमडी को ओपन कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास यहाँ पे देखिए रन और गो व्यू, ये रहा टर्मिनल। टर्मिनल में देखें आपके पास न्यू टर्मिनल, कंट्रोल शिफ्ट और ये स्टेरिक साइन है, ठीक है। टेम्पलेट लिटरल के लिए भी जो बैक टिक को यूज किया जाता है, सॉरी स्टेरिक नहीं है बैक टिक, ठीक है, इसको बैक टिक कहा जाता है। ये वाला वर्ड आपका ये, ठीक है, ये बैक टिक है। ये आपका जो नंबर रोज है 1-2 वाले, उसके लेफ्ट साइड पे जो आपका बेस्ट बटन होगा वो आपके पास बैक टिक पर। एनीहाउ, तो कंट्रोल और सिर्फ बैक टिक प्रेस करें तो आपके पास टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ओके, कंट्रोल शिफ्ट न्यू के लिए, अदरवाइज जब एक बार ये बन चुका होगा तो फिर आप कंट्रोल बैक टिक की प्रेस करेंगे तो यही वाला ओपन हो जाएगा। ओके, ये सीएमडी आ गया। देखें प्रोजेक्ट टू में हमने यहाँ पे क्या लिखना है, npm start, npm start करेंगे तो ये एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी आपकी। वेबपैक कंपाइल्ड सक्सेसफुल, तो ये आपकी एप्लीकेशन आ गई। ओके, तो ये रिएक्ट की एक एप्लीकेशन कंप्लीट आपके लिए बनी हुई, ठीक है। एनवायरनमेंट बना हुआ है, बेसिक प्रोजेक्ट आपका बना हुआ है, फाउंडेशन कंप्लीट है। अब हमने क्या करना है, इसमें देखें app.css, ये एनिमेशन चल रही है, ठीक है। बस ये आपको दिखाने के लिए कि ये ऐप लोगो एनिमेशन, ऐप लोगो क्या करो, स्पिन करो इन्फिनिट, हमेशा के लिए इन्फिनिट हो जाए, ठीक है, और 20 सेकंड में अपना ये एक चक्कर कंप्लीट करेगा, ठीक है। इसको अगर आप 60 कर देते हैं, देखें इसकी स्पीड स्लो गई, ठीक है। इसको अगर आप लोग 120 कर देते हैं, उसकी स्पीड और स्लो हो गई। अब ये 2 मिनट में एक कंप्लीट अपना चक्कर करेगा। यही अगर आप इसको 10 सेकंड कह दें तो इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप लोग इसको 5 कर दें तो ये इस तरह मजीद स्पीड, और अगर आप लोग सब खेलना चाहते हैं तो 0.5 सेकंड कर दें तो इस तरह हो जाएगा। तो बहरहाल हमें app.css का कोड नहीं चाहिए, हमने app.css को ख़त्म किया तो ये रह गया सिर्फ विदाउट css, ठीक है। लोगों की हमें ज़रूरत नहीं है, index.css की भी हमें ज़रूरत नहीं है। app.css की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, scss, index.js में जो css की फाइल इंपोर्ट और इसको ख़त्म किया हमने। यहाँ पर अब आपके पास आ रहा होगा एरर, ठीक है, इसको भी ख़त्म कर दें और scss को इंपोर्ट करें। लोगो यहाँ पे है कोई नहीं, इस सारा को ये सारे कोड ख़त्म कर दें। अभी भी आपके पास एरर आएगा, किसका, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल सैस, ठीक है, सास नहीं सैस, सात भी हसन लग गए। क्या आ रहा है, अच्छा ये गिट का है, ठीक है, ये गिटहब का है, इसमें आएंगे बाद में। इसका मतलब है कि ये वाली फाइल मॉडिफाई हुई है और ये वाली फाइल जो है वो अनट्रैक्ड है इस टाइम, ठीक है। ये देखें, ये लास्ट पे लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा अनट्रैक्ड। ओके जी, इसके बाद अब ये देखें, एक में ही आपका प्रोजेक्ट चल रहा है और एक हमने न्यू ओपन कर लिया, npm i sass bootstrap, ठीक है।
इसको आप लोगों ने क्या करना है, इसको एक बार आप लोग दोबारा स्टार्ट करें, npm start। ये सिर्फ सेस की वजह से हमें दोबारा स्टार्ट करना पड़ा, उसके अलावा बाकी जितनी भी लाइब्रेरीज हैं विदाउट स्टार्ट के बगैर वो लिंक हो जाती है, इसके इंस्टॉल हो जाती है। ओके जी, इसको आप लोग ख़त्म कर सकते हैं, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग डेवलपमेंट सर्वर, और यहाँ पर आप लोग पब्लिक में जाके इंडेक्स और HTML, और इसको आप लोग चेंज कर सकते हैं टाइटल वगैरह। प्रोजेक्ट सेव किया तो ये देखिए आपके पास प्रोजेक्ट 2 आ गया, और ये आपकी एप्लीकेशन अब चल रही है। बूटस्ट्रैप को लिंक करने के लिए यहाँ पर आप लोग एक और फाइल क्रिएट करते हैं scss के अंदर underscore bootstrap.scss at import node modules में bootstrap scss, और ये आपके पास bootstrap डॉट सेमी कॉलन इसमें लाजमी है। और इसको आप लोगों ने लिंक कर लेना है यहाँ पे एट इम्पोर्ट scss में bootstrap, और उसके बाद इंडेक्स में जाके ओके ऐप में जाके आप लोगों ने इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और इम्पोर्ट करें बूटस्ट्रैप से डिस्ट js और बूटस्ट्रैप डॉट बंडल, ठीक है, सेव किया। यहाँ पर अब आप लोग h1 लर्निंग रिएक्ट, तो ये बूटस्ट्रैप लिंक हो चुकी है, ठीक है। इसकी फॉन्ट फैमिली से आपको पता लग रहा है ये bootstrap का फॉन्ट फैमिली हम यूज़ करते आ रहे हैं। ये जावास्क्रिप्ट के लिए किया, अभी मैं आपको इसको ना मैं कमेंट कर देता हूँ, मैंने कमेंट कर दिया। अब हम आते हैं सोर्स के अंदर, आप लोगों ने एक फोल्डर बनाना है कंपोनेंट्स, ठीक है। कंपोनेंट्स में आप लोग एक फाइल बनाएंगे हेडर डॉट जीएस, ठीक है। अब देखें ये कंपोनेंट बनाया हमने हेडर, पूरी एप्लीकेशन में सिर्फ एक ही फाइल होगी हेडर, ठीक है। तो जितने भी पेज होंगे एक पेज से दूसरे पेज पे आप लोग नेविगेट हो रहे होंगे, हेडर आपका एक ही सेम रहेगा, कभी भी आपने चेंज करना है इस फाइल में बस चेंज करेंगे और पूरी की पूरी एप्लीकेशन में ये चेंज हो जाएगा, ठीक हो गया। दिन में बाहर का ना वो डोर क्लोज कर दें। ओके हेडर, अब हमने क्या करना है, इम्पोर्ट रिएक्ट कर रहे थे, फिर फंक्शन बना रहे थे और उसको एक्सपोर्ट कर रहे थे, ऐसे ही है। अच्छा मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, इम्पोर्ट करें रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट कॉन्स्ट हेडर इक्वल टू, रिटर्न करें और हेडर, ठीक हो गया। और इसको साथ में आपको क्या करें, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन का नेम, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें खुद बनानी पड़ी, खुद से कोड लिखना पड़ा हर फाइल में, ये ज़रूरी है, ये लाजमी है, जिस तरह हर HTML की फाइल में बेसिक जो स्ट्रक्चर है ज़रा ये भी। हमने क्या करना है, हमने जो एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है रिएक्ट ES7+ वाली, ठीक है, RAFCE, वो RFC से आपका बनेगा ये वाला फंक्शन, ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन हेडर डायरेक्ट, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि एरो फंक्शन बने, तो उसके लिए रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, ठीक है, RAFCE का मतलब ये है। तो अब देखें ये वाली चीज़ बन गई जो भी हमने खुद से बनाई थी, दोनों भी यूज़ कर सकते हैं, एरो फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं एरो फंक्शन यूज़ करें, सिंपल करना चाहते हैं सिंपल करें, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है, अगर आप लोग एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ही कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग लिख लें हेडर, ओके। अब इसको अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हैं तो app.js में आके यहाँ पर
हमने इसको ख़त्म किया और यहाँ पर हेडर, तो ये देखें कंपोनेंट्स में से हेडर आपकी फाइल ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गई, ठीक हो गया। सेव करें तो यहाँ पे इस टाइम कुछ भी नहीं है। हमने क्या करना है, गेट बूटस्ट्रैप रीड दी डॉक्स, यहाँ पर आपके पास नैव बार होगा, नैव बार में से आप ये वाला कोड उठाएं और यहाँ पर आप लोग हेडर में जाके पेस्ट करते हैं। अब आएंगे आपके पास एरर, ठीक है, क्योंकि जी हमने क्लोजिंग नहीं की, ठीक है। जब हम HTML में फर्स्ट क्लास में पढ़े थे, शायद मैंने जिक्र किया था कि रिएक्ट में ये चीज़ें ज़रूरी होंगी, तो इस वजह से अभी से ही आदत डालें। हमने HTML का कोड उठाया, ये क्लोज नहीं है, ठीक है, तो हमने इसको सेल्फ क्लोज करना है। तो ये इसका एरर ख़त्म हो गया, लेकिन एक एरर आपके पास अभी भी आ रहा है, ठीक है, वो HR का आ रहा है, इसको भी आप लोग क्लोज करेंगे। सेव किया, अपनी वेबसाइट पे आए तो ये आपके पास हेडर आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद BG डार्क और नैव बार जो है वो डार्क आपका, तो ये आ गया आपके पास। कंटेनर फ्लूड की जगह कंटेनर, इसमें एक चीज है, ये क्लास वर्ड जो है ये जावास्क्रिप्ट का रिजर्व कीवर्ड है, ठीक है। अभी देखें एक्चुअल में आपको कोई एरर वगैरह नहीं शो हो रहा है, लेकिन अगर आप लोग इसका कंसोल देखें तो आपको ये दे रहा है इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी क्लास, डिड यू मीन क्लास नेम, ठीक है, तो क्लास की जगह हम क्या यूज करेंगे, क्लास नेम। आप लोगों ने क्या करना है, इस क्लास वर्ड और इक्वल को भी साथ में सेलेक्ट कर लें। हो सकता है कि कहीं पे आप लोगों ने क्लास वर्ड एक्चुअल में लिखा हो एज अ टेक्स्ट, तो इस तरह वो भी सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन इक्वल के साथ जब करेंगे तो मोस्टली प्रॉब्ली यही है कि ये आपका एट्रीब्यूट ही आपके पास हो। इसको फाइंड किया कंट्रोल एफ की मदद से, क्लास नेम साथ में इक्वल, ठीक है, इसको आप लोग रिप्लेस करते हैं रिप्लेस ऑल, तो जहाँ जहाँ क्लास वर्ड था वो आपका क्लास नेम हो गया। सेव किया, पेज को एक बार रिफ्रेश कर लें तो वह बैर खत्म हो गया। इस पर क्लिक किया तो देखें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्यों, हमने जावास्क्रिप्ट को कमेंट कर दिया था, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट को आप लोग क्या करें, अनकमेंट करें, इंडेक्स डॉट जे एस, एप डॉट जे एस, एप डॉट जे एस में आके सेव किया। अब देखें ये आपका काम कर रहा है, ये भी आपका काम कर रहा होगा जी, क्लियर इतना। अब आप लोग एक और फाइल बनाएं सोर्स कंपोनेंट्स में फुटर डॉट जे एस, आर ए एफ सी ई, आपका फुटर बन गया फुटर डॉट कंटेनर रो कॉलम, कॉलम के अंदर पी डॉट एम बी जीरो डॉट टेक्स्ट वाइड टेक्स्ट सेंटर एंड कॉपी 2002 फॉर ऑल राइट्स रिजर्व, ठीक हो गया। और फुटर क्लास नेम bg डॉट py 2, इसको इंपोर्ट करने के लिए एप डॉट जेएस में जाएं और हेडर के बाद ये आपका फुटर आ गया आपके पास, ये आ गया। अब साथ में यहाँ पर आप लोग एक सोर्स के अंदर फोल्डर बनाए पेजेस, पेजेस के अंदर आप लोगों का एक फोल्डर बनेगा फ्रंट एंड, फ्रंट एंड का फोल्डर बनाए, फ्रंट एंड के अंदर आपके पास एक फाइल बनेगी होम डॉट जे एस, आर ए एफ सी ई, ये आपका होम, इस एलिमेंट को अब आप लोग बनाएंगे डॉट कंटेनर के अंदर रो के अंदर कॉलम
इसको आप लोग कहते हैं डॉट पी वाई फाइव और साथ में एच वन लर्निंग रिएक्ट दिस इज ऑन पिच और हमने वो फाइल तो बनाई लेकिन अभी तक कुछ हो तो नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया लेकिन वहाँ पे आपने इंपोर्ट नहीं किया। तो हेडर के बाद आप लोग होम फाइल को इंपोर्ट करें। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली पेजेस में से फ्रंट एंड में से होम की फाइल आपकी इंपोर्ट हो गई। सेव किया होम में आपके पास क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर और एम बी डैश जीरो। हम क्या चाहते हैं हेडर आपका टॉप पे रहे फुटर आपका हमेशा लास्ट पे रहे। ठीक है तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं डिस्प्ले बॉडी को डिस्प्ले मिनिमम हम करते हैं अभी करते हैं। ओके बॉडी को हमने क्या किया डिस्प्ले फ्लेक्स आगे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम अब मिनिमम हाइट 100 bh मेन को 10 ऑटो ये करते हैं सेव किया। ये काम नहीं करेगा कोड आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है पहले क्या होता था अब देखें अब ये ना आपको समझ लगा जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। आप देखें आपकी js की मेन फाइल जो वो index.js है ऐसे ही है। आपने डॉक्यूमेंट की मदद से एक एलिमेंट को गेट किया बाय आईडी क्या है रूट। इस रूट के अंदर आप उस एप्लीकेशन को रेंडर कर रहे हैं। ठीक है पब्लिक में जाएं html की फाइल पहले क्या होता था हम बॉडी के अंदर हेडर के बाद मेन के बाद हम फुटर को यूज़ करते रहे। तो ये देखें बॉडी के अंदर अब आपके पास ये तीन एलिमेंट आते थे हेडर मेन और फुटर। हम बॉडी को फिर इस तरह से टारगेट करते थे। अब क्या हो रहा है अब ये हेडर मेन और फुटर जो है ना ये बॉडी के अंदर नहीं है ये इस डिव के अंदर है। ठीक है ये इस डिव के अंदर है जिसकी आईडी क्या है रूट है। अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं तो आपको स्ट्रक्चर यहां से पता लग जाएगा एलिमेंट्स में आए बॉडी के अंदर देखें ये आपके पास div id root है। इसके अंदर अब आप देखें header main और ये footer आ रहा है। हम इसकी जगह root को करेंगे। ठीक है source में app.scss body की जगह hashtag root अब save किया तो अब ये काम करेगा। ठीक है scss compile होने में थोड़ा सा time लगता है। header top पे ये आपका मेन आ गया और ये आपका फुटर आ गया। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा अगर आप इस स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना चाहते हैं हेडर में देखें हमने कौन सा एलिमेंट यूज़ किया है हेडर। होम में देखें हमने कौन सा एलिमेंट यूज़ किया है मेन और फुटर में हमने यूज़ किया है फुटर को। ठीक है इस तरह ये रूट के अंदर हेडर मेन और फुटर आ रहे हैं। अगर आपने कहीं पर भी जैसे अब RAFCE करते हैं तो वो डिव एलिमेंट क्रिएट करता है बाई डिफॉल्ट। तो अगर आपने डिव को ही रहने दिया तो फिर ये स्ट्रक्चर काम नहीं करेगा आपका। ठीक है दोबारा बताइएगा हेडर के नीचे जी हेडर के नीचे अगर आप मेन यूज कर लें इस तरह और मेन फिर होम में जी यहां से आप अगर आप डिव को यूज करें तो ये काम करेगा। ठीक है अब ये काम करेगा लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है जी। फंक्शन को हमने कॉल नहीं किया हम इस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना ये देखें हम इस फंक्शन को हर फाइल में हम ये पूरी फाइल नहीं हो रही है ये कंपोनेंट हो रहा है सॉरी ये फंक्शन हो रहा है।
फंक्शन को जब आप अपर केस से शुरू करते हैं तो वो एक्चुअल में कंपोनेंट बन रहा होता है। फंक्शन का नेम देखें हमारा, ये फंक्शन का नेम जो ये एच कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, तो ये एक्चुअल में हमने कंपोनेंट बना दिया, ठीक है, और इस कंपोनेंट को हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब जब हमने इसको एक्सपोर्ट किया तो अब हम इसको यहाँ पर इसको एज अ कंपोनेंट इस तरह इम्पोर्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब आपने इसको इस तरह यूज़ किया तो ये सारी की सारी चीज़ें जो रिटर्न हो रही हैं ये वहाँ पर आ गई। तो वो ऑटो हो रहा है ना, वो ऑटो इम्पोर्ट हो रहा है, देखिए वो जब आप यहाँ पे आप लिखेंगे ना प्रोग्राम में, आपको आपने देखें इस प्रोजेक्ट फोल्डर को ओपन किया था वीएस कोड में, तो वीएस कोड ने इस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर की फाइल्स को देखना है, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखा हेडर, मजे की बात वो आप ही नहीं रहा। एक्चुअली मैंने क्योंकि ये आपका शायद एरर आ रहा है इस वजह से, अच्छा वो ना वैसे तो यानी कि ऑटो इंपोर्ट हो रहा है, वो वीएस कोड ना आपको बता रहा होता है साथ में ना आगे कि ये वाले जो कंपोनेंट जो इंपोर्ट हो रहे हैं किस फाइल से इंपोर्ट हो रहा होगा। इस तरह एमिट में नहीं आ जाता है, फॉर एग्जांपल आप एच वन लिखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ना, तो वो राइट साइड पे ना आपको बता रहा होगा कि ये जो इम्पोर्ट जो होगा ये कहाँ से इम्पोर्ट होगा, ठीक है। तो उस बेस पर फिर आपको समय लग जाएगी, आगे अभी आता है ना मैं आपको दिखा देता हूँ जी, क्लियर है ये आपके पास, ओके जी। अब आते हैं फुटर में, फुटर में देखें ये 2024 है, दो महीने बाद डेढ़ महीने बाद 2025 हो जाना है, ठीक हो गया। अब 2025 के लिए हमें दोबारा से एप्लीकेशन को रीडिप्लाई करना पड़ेगा सिर्फ एक चेंजेस के लिए, तो हम इसको डायनेमिक बनाते हैं। डायनेमिक बनाने के लिए रिटर्न से पहले आप JS को लिख सकते हैं, JS के फंक्शंस वगैरह, ठीक है। रिटर्न से पहले पहले कर्ली ब्रेसेस के अंदर फंक्शन या कंपोनेंट का जो कर्ली ब्रेसेस है उसके अंदर और रिटर्न से पहले पहले यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कॉन्स्ट ईयर इक्वल न्यू डेट आगे डॉट आगे गेट फुल ईयर आ गया। अब देखें CLO मैंने किया ईयर को, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखें कंसोल डॉट लॉग में आपको नजर आ रहा होगा ये किस फाइल में है, फुटर डॉट JS की फाइल में लाइन नंबर 5 में, ये देखें लाइन नंबर 5, ठीक है। इस ईयर को मैं यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ, तो इस ईयर को यहाँ पे यूज करने के लिए मैंने क्या लिखा, तो यहाँ पर एक्चुअल में आपको कॉपीराइट ईयर ही लिखा हुआ नजर आ जाएगा, क्योंकि उसने तो उसको एज अ स्ट्रिंग लिया है, एज अ टेक्स्ट लिया है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे, अच्छा अब आपका ये बना हुआ क्या है, वेरिएबल है, ठीक है, ये वेरिएबल है। HTML में स्ट्रिंग के साथ या टेक्स्ट के साथ अगर आप वेरिएबल को यूज करना चाहते हैं तो आप उसको कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे, जैसे ही कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे और उसके अंदर आप अब आप कुछ भी लिखेंगे तो वो इसको एज अ वेरिएबल ट्रीट करेगा, ठीक है। अभी ये डल हुआ है, जैसे आपने कर्ली ब्रेसेस को यूज किया और इसमें लिखा ये है, ठीक है, तो ये आपको बता भी रहा है कौन स्टीयर जो वह नंबर है, उसके कलर ठीक हो गया, सेव किया तो यहाँ पे देखिएगा अब ये आपके पास क्या आ गया 2024, ठीक है। इसको अगर आप प्लस वन कर दें तो क्या आएगा,
2025 आ जाएगा, तो ये देखें 2025 आ गया, ठीक है। तो ये बस दिखाने का मकसद कि इस तरह वेरिएबल्स को यूज किया जाता है। जी इतना क्लियर है, कोई सवाल हो? जी जी इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हम कर सकते ना, हम नहीं कर सकते। अब मीन्स के अब आप ईयर इक्वल टू 1, 2, 3 नहीं कर सकते हैं, ये आपको अब एरर देगा, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली होगा ना। अब देखें जब भी आपने इस पेज को रिफ्रेश किया तो उसने क्या करना है, न्यू डेट में से गेट फुल ईयर को निकालना है और इस ईयर में स्टोर करवा देना है। आप इस ईयर की वैल्यू को खुद से चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स के दोबारा से वैल्यू को साइन नहीं कर सकते हैं, एक बार जो वैल्यू साइन हो चुकी है वही रहेगी। जी वो पेज रिफ्रेश होगा तो न्यू वैल्यू आएगी, वरना फिर वही रहेगी। वो कौन सा इस ईयर को देखने के लिए बैठे हुए बस ऐसे ही है ना। तो ये आके बस कौन सी ईयर न्यू डेट डॉट गेट फुल ईयर। हाँ जी क्लियर है इतना। नेवर हो गया आपका, मेन हो गया, और ये आपका फुटर हो गया। अब आ जाते हैं हम अबाउट में। अबाउट डॉट js होम की फाइल का ही सारा कोड उठाएं, अबाउट में आप पेस्ट कर दें, जहाँ जहाँ वर्ड होम यूज हो रहा है उसको आप लोग कर दें अबाउट, ठीक है। आपने कर दिया अबाउट। अब अगर मैं सोर्स में जाऊँ और ऐप डॉट जे एस में होम के साथ मैं अबाउट, मुझे लगता है मतीन भाई की नज़र लग गई है, ऑटो इम्पोर्ट नहीं हो रहा है। जी मतीन भी क्या किया आपने? ओके मेन के अंदर यहाँ पे भी नहीं हो रहा, इसको बंद करके ना दोबारा चलाते हैं, अब आएगा। npm start okay, देखें जैसे ही वो हमने सर्वर को बंद किया तो आपके पास ये वाला एरर आ जाता है कि वेब सॉकेट कनेक्शन जो है वो फेल्ड हो चुका है। इसका मतलब है कि कंटिन्यूसली कनेक्ट रहते हैं, इसी वजह से जब जो फाइल आपकी चेंज होती है ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। मेन और ये आपके पास अबाउट अली मतीन, सब कुछ तो किया आपने, ये समय से बाहर है। पर होम होम में जाके अबाउट, और यहाँ पे जाके आप लोग अबाउट को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो अबाउट सेव किया, तो ये देखिए दोनों आ गए, ठीक है। मेन एलिमेंट को जितनी स्पेस चाहिए होती है वो ऑटोमेटिकली, अब ये ना पहले ये 100% था, अब क्या हुआ ये दोनों एलिमेंट 50-50% पे कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। ऐसा अगर आप फॉर्म को ख़त्म करें तो ये अबाउट पूरे में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है, एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट होना है, कि आप कहीं पे होम पे क्लिक करें तो फिर ये अबाउट पेज शो कराए, ठीक है। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए आप लोग कंपोनेंट्स में जाएं, हेडर, और हेडर में आपके पास
अभी उस पर नहीं आते हैं, वो एक न्यू लाइब्रेरी करनी पड़ेगी, हम बाद में उसको देखेंगे, अभी हम आते हैं इस पर। एरो फंक्शंस, वेरिएबल्स, और ये आपके पास एरे मेथड्स, डिस्ट्रक्शिंग, टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है? लेट सपोज यहाँ पर बटन बना हुआ है, इसको ख़त्म करें, इसको भी ख़त्म करें, और ये आपका सेव किया, आपके पास सिर्फ ये बटन रहेगा, ठीक है। सर्च की बजाय आप इसको कहते हैं लॉगिन, टाइप इसकी सबमिट नहीं है, तो ये आपके पास लॉगिन, PTN सक्सेस, लॉगिन बटन आ गया। और साथ ही हम यहाँ पर एक बटन बना लेते हैं लॉग आउट, BTN इसको कहते हैं आप लोग, डेंजर, लॉगिन और लॉग आउट। हम क्या कहते हैं कि अगर तो यूज़र लॉगिन है, अगर यूज़र ऑलरेडी लॉगिन है तो कौन सा बटन आना चाहिए? लॉगआउट का। और अगर लॉगिन नहीं है तो फिर कौन सा बटन आएगा? लॉगिन का। इस चीज़ को अचीव करने के लिए, वैसे तो पूरी एप्लीकेशन में जब आपके ऑथेंटिकेशन सिस्टम आएगा तब भी यही काम हो रहा होगा, ठीक है। अभी हम कहते हैं कॉन्स्ट इज ऑथेंटिकेटेड, क्या यूजर जब ऑथेंटिकेटेड है, ऑथेंटिकेट है, इक्वल टू ट्रू, इस ऑथेंटिकेटेड की वैल्यू क्या आ गई? ट्रू। यहां पे जाके अगर मैं जावास्क्रिप्ट को या वेरिएबल्स को यूज करना चाहता हूं तो मैं क्या यूज करूंगा? कर्ली ब्रेसेस। आपने कर्ली ब्रेसेस यूज किया, इफ एल्स वाला ही अब मैं काम करने लगा हूं, ठीक है। यहां पर मैं डायरेक्ट इफ इस तरह यूज नहीं कर सकता हूं, ये एरर आ रहा है, ठीक है, एरर आ रहा है ना। मैंने यहां पे यूज करना है टेम्पलेट, सॉरी टर्नरी ऑपरेटर को, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर को, इज ऑथेंटिकेटेड, अगर तो इज ऑथेंटिकेटेड है तो ये वाला काम करेगा, अदरवाइज ये वाला काम करेगा। क्वेश्चन मार्क के आगे जो भी आप चीज यूज कर रहे हो ये तब होता है जब ट्रू हो, और ये आपका फॉल्स वाला काम करता है। मैंने यहाँ पे लिखा इज ऑथेंटिकेटेड, जी बताएं कंडीशन ठीक है, जी बताइए भाई, कोड में देखें, कोड में, हाँ जी, अगर यूजर लॉगिन है ऑलरेडी तो लॉगिन वाला बटन शो होगा, तो ऐसे ही हमने करना है। इस ऑथेंटिकेटेड अगर यूजर है तो फिर ये लॉगिन वाला शो करेगा, इस ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो लॉग आउट शो करेगा। हमने क्या करना है, अगर तो यूजर इस ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो फिर क्या करे? लॉगिन वाला शो करे, अदरवाइज फिर लॉग आउट वाला। तो आप इसको क्या करते हैं? नोट करते हैं, सेव किया। तो अब इसमें से देखें सिर्फ एक बटन ही शो हो रहा है, लॉग आउट। इसको आप कर दें फॉल्स, मींस के यूजर लॉग इन नहीं है, ऑथेंटिकेट नहीं है। अगर यूजर लॉग इन नहीं है तो फिर आपको कौन सा बटन शो होगा? लॉग इन वाला होगा। तो यहाँ पे लॉग इन वाला शो किया, ये टर्नरी ऑपरेटर है, ठीक हो गया। टेम्पलेट लिटरल जो होता है वो होता है आपका कि आप वेरिएबल्स और स्ट्रिंग को दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, मींस के कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। अब यहां पे देखें, मैंने बैक टिक को यूज किया, ठीक है, const x equal to 5, the x value is, यहां पर हमने x की वैल्यू x में स्टोर करवाई हुई है, ऐसे ही है। तो ये देखिए द एक्स वैल्यू इज x है, आपको ये लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, आया कहीं पे?
इसको हम करते हैं द एक्स वैल्यू इज एक्स आर एम की। लेकिन हमें एक्चुअल में यहाँ पे एक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स जो हमने स्ट्रिंग में लिखा हुआ है डॉलर कर्ली ब्रेसेस, अब इसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स को लिख सकते हैं, इसके बाद भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं दोबारा डॉट लगाता हूँ, ठीक है, तो एक चीज ये आपकी द एक्स वैल्यू इज 5 जी, क्यों बाद में लिखेंगे आप, पता नहीं मतलब क्या कह रहे हैं, बदल ये आपका टेम्पलेट लिटरल जो है वो ये कहलाता है, ठीक है। टेम्पलेट लिटरल आपका बैक टिक से शुरू होता है, आपके पास स्ट्रिंग आ गई और अगर साथ में आप वेरिएबल्स को यूज करते हैं या उसकी जो भी वैल्यू है, तो वो फिर आप लोग वेरिएबल को इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग इसको टेम्पलेट लिटरल के बगैर लिखते द एक्स वैल्यू इज एक्स डॉट, एक ये तरीका था, ठीक है। लेकिन ये आपका काम जो है ये यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन जब मल्टीपल वैल्यूज आ रही हो, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल क्लास नेम ही अगर आप, ठीक है, क्लास नेम भी आप डायनेमिक कर सकते हैं, बल्कि मैं आपको ये करके भी दिखाता हूँ। क्लास नेम जो है ना, इसकी समय लगी है, टेम्पलेट लिटरल सिर्फ और सिर्फ बैकटिक की मदद से, और अगर दरमियान में वेरिएबल यूज करते हैं तो डॉलर साइन और कर्ली ब्रेसेस, तो वो फिर आपने इस काम कर। ओके जी, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यहाँ पर आपके पास होम की फाइल में अभी हम अबाउट को स्किप करते हैं और बटन लास्ट नेम btn प्राइम, ठीक है, प्राइमरी प्राइमरी बटन, तो आपके पास देखेंगे प्राइमरी बटन आ गया इस तरह। उसके बाद सेकेंडरी सक्सेस डेंजर वार्निंग इन्फो डार्क लाइट सेव किया, तो ये देखिए आपके पास बटन, ठीक है। कोड आपका ना बहुत सारा रिपीट हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब आपका रिपीट है, फिर उसके बाद ये चीज़ और फिर आपकी ये सारी चीज़ें रिपीट होती हैं, ठीक है। कोड को रिपीट होने से बचाने के लिए हम कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, जाहिर इसके कि आप एक ही कोड एक ही तरह का पूरी एप्लीकेशन में बार बार लिख रहे हो, तो उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम कंपोनेंट्स बनाते हैं। कंपोनेंट्स में आप यहाँ पर कंपोनेंट बना लें बटन डॉट जी एस आर ए एफ सी टी, ये आपका बन गया बटन। यहाँ पर ना आप सिर्फ और सिर्फ एक बटन का कोड उठा लें और यहाँ पर आप उसको पेस्ट करते हैं, ठीक हो गया। बटन क्लास नेम btn प्राइमरी और ये आपके पास प्राइमरी बटन आ गया। होम में गए, अब इस कंपोनेंट को यूज करने के लिए बटन, हाँ जी मतीन भाई आ गया,
ये देखें, अब ये इस कंपोनेंट्स के फोल्डर में जाके इस बटन को गेट करेगा। आ रहा लिखा हुआ नजर? ये जिस भी फाइल में सबसे पहले उससे बैक जाएगा, फिर उससे बैक जाएगा तो वो कंपोनेंट्स का फोल्डर उसको नजर आया और उसके अंदर आपके पास ये बटन। तब देखें मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ तो इसने ऑटो इम्पोर्ट कर दिया, ठीक है। बटन कंपोनेंट आपका यहाँ पे हमने उसको यूज कर लिया। सेव करें तो ये देखें, ये आपके पास प्राइमरी बटन अभी भी है। मैं दोबारा से इसी को ही यूज करना चाहता हूँ तो मैंने सिर्फ बटन को ही नीचे कॉपी किया तो आपके पास दो प्राइमरी बटन आ गए, ठीक है। एक और बार वो बटन आ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बटन कंपोनेंट एक ही रहे। जिस तरह हम एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं, ये आपका एट्रीब्यूट है ना, ठीक है, ये देखें HTML एट्रीब्यूट्स। कंपोनेंट में एट्रीब्यूट को ही पास किया जाता है, लेकिन वो प्रॉप्स कहलाते हैं, प्रॉपर्टीज, ठीक है। जिस तरह हम HTML एलिमेंट्स में एट्रीब्यूट को यूज करते हैं, कंपोनेंट में भी एट्रीब्यूट को ही यूज किया जाता है, लेकिन वो प्रॉप्स कहलाते हैं। अभी देखें इस बटन में जाके, ये बटन आपका हम इसको सिर्फ एक बार ही अभी यूज करते हैं। सेव किया, इस बटन में आए, प्रॉप्स जो है ना आपको एज अ पैरामीटर्स आपको मिलते हैं। तो इसमें जो है, इस फंक्शन में आपको पैरामीटर्स कहाँ पे मिलेंगे, इधर कर्ली ब्रेसेस के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर ना, छोटी ब्रैकेट, ठीक है, ये पैरेंथेसिस है, यहाँ पे आपको मिलेंगे प्रॉप्स, कंपोनेंट के प्रॉप्स मिलते हैं। CLO प्रॉप्स करें तो ये देखें प्रॉप्स की डेटा टाइप क्या आ रही है आपके पास, ऑब्जेक्ट आ रही है, और ऑब्जेक्ट आपके पास इस टाइम ब्लैंक है क्योंकि आपने यहाँ पर देखें कुछ भी पास नहीं किया। यहाँ पर आप बटन की टाइप इक्वल इसको कह दें प्राइमरी। सेव किया तो ये देखें बटन अब प्रॉप्स में टाइप आ गई है और उसकी वैल्यू क्या आ गई, प्राइमरी। और साथ साथ आप लोग यहाँ पे टेक्स्ट प्राइमरी बटन, तो अब देखें टाइप और टेक्स्ट दोनों ही आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। इस प्रॉप्स में से टाइप और टेक्स्ट को निकाल सकते हैं आप लोग जी, कैसे, डॉट के साथ, ठीक है। प्रॉप्स डॉट टाइप करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक तरीका ये है कि कॉन्स्ट टाइप इक्वल टू प्रॉप्स डॉट टाइप और कॉन्स्ट टेक्स्ट इक्वल टू प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट, ऐसे ही है। इस चीज से बचने के लिए कि बार बार आप प्रॉप्स डॉट यूज करें, प्रॉप्स डॉट, हम यहाँ पे करते हैं डी स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सिक्स में देखें आपके पास एक आ रही है चीज, डी स्ट्रक्चरिंग करना, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को डी स्ट्रक्चर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉन्स्ट कर्ली ब्रेसेस इक्वल टू, हमने ये वैल्यूज को डी स्ट्रक्चर किसमें से करना है, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट वेरिएबल नेम क्या है, प्रॉप्स, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रॉप्स। अब इस प्रॉप्स में से हमने क्या निकालना है, टाइप और टेक्स्ट, ठीक है। तो आप क्या करें यहाँ पर टाइप कोमा लगा के टेक्स्ट, तो इस प्रॉप्स में से टाइप और टेक्स्ट दोनों निकल गए, ठीक है। ये जो काम हम कर रहे थे हमने इसको इस तरह से अचीव कर लिया, इसको डी स्ट्रक्चरिंग करना कहते हैं, ठीक है। बीटीएन टाइप, टाइप क्या आ रही थी, प्राइमरी, इस प्राइमरी की जगह हमने यहाँ पे टाइप को यूज करना है, ठीक है। टाइप वेरिएबल बन गया, ठीक है। ये देखे ना कॉन्स्ट में नहीं है ना, कॉन्स्ट में आपके पास ये टाइप आ गई, जी जी वही चीज है, ठीक है। ऐसा जी नहीं, वो शो आपको रहेगा डाटा,
डेटा तो आपको शो रहने ही रहना है, ऐसा नहीं कि आपने उसको पक्का पक्का निकाल लिया है, प्रॉप्स में मौजूद है, उस प्रॉप्स में से आपने इसको डिस्ट्रक्चर किया है और आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम अगर यहाँ पे सिर्फ कर्ली ब्रेसेस यूज करें तो ये एज अ स्ट्रिंग ही काम करेगा। हमने क्या करना है यहाँ पे, किसको यूज करना है? अब देखिए डायरेक्ट ना आप टेम्पलेट लिटरल को इस तरह नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इस क्लास नेम को एज अ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर अब आप लोग बैक टिक को यूज करेंगे, ठीक है। बैक टिक को यूज करने के बाद btn और btn डैश डॉलर साइन कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पर आप लोग यूज करेंगे। हमने वेरिएबल को यूज करना है ना, इस टाइप को हमने यूज करना है यहाँ पे। किसके साथ? अगर आप इसको खत्म करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, ये एज अ स्ट्रिंग अप कर डॉलर साइन से टाइप कर, क्योंकि हमने टेम्पलेट लिटरल को यूज किया ना। लेकिन मीन्स के JS में है ये लाजमी कि अगर आप टेम्पलेट लिटरल को यूज करेंगे तो उसको आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर यूज करेंगे, ठीक है, उसके बगैर पॉसिबल नहीं है। ओके, btn आपके पास क्या आ गई? टाइप, ठीक है। टाइप आप फ्रंट एंड से उस कंपोनेंट में एज अ प्रॉप जो पास करेंगे यहाँ पे वो आ रही होगी। तो अभी हमने यहाँ से इसमें क्या पास किया है, टाइप प्राइमरी, तो यहाँ पे एक्चुअल में btn btn डैश प्राइमरी वर्ड आ रहा होगा और यहाँ पर आप लोग यूज करेंगे टेक्स्ट। तो आप डायरेक्ट सिर्फ कर्ली ब्रेसेस को यूज करके टेक्स्ट सेव किया तो ये देखिए पहला आ गया आपके पास प्राइमरी बटन। अब यहाँ पर मैंने इसी की कॉपी बनाई, अब प्राइमरी की जगह मैं सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी यूज करूंगा। इस बटन कंपोनेंट में यूज यही हो रहा है, एक बार वर्ड जाएगा प्राइमरी और एक बार वर्ड जाएगा सेकेंडरी, ठीक है। सेव किया तो देखें आपके पास ये दोनों, ठीक है, एक सेकेंडरी ये और एक सेकेंडरी ये, इसको खत्म करें। उसी तरह सक्सेस और डेंजर, सक्सेस डेंजर सेव किया, सक्सेस डेंजर। उसके बाद आपके पास है वार्निंग इन्फो डार्क और लाइट, वार्निंग इन्फो डार्क लाइट, ये बटन आपके पास वही एज इट इज। लेकिन कोड देखें हमारा कितना कम हो गया, कोड हमारा कम हो गया। मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ सिर्फ बटन को यूज करूं, ठीक हो गया, मैं ना तो टेक्स्ट को पास करूं और ना ही टाइप को पास करूं, ठीक है। तो ये है कि मैं जब भी सिर्फ बटन कंपोनेंट को यूज करूं तो वो बटन की जो टाइप बाय डिफॉल्ट है प्राइमरी ही रहे और बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट जो है वो बटन आ गया बस, ठीक है। सेव किया तो अभी देखें आपके ये बटन आ तो गया लेकिन कुछ भी नहीं स्टम शो हो रहा है, सही। हमने क्या करना है, btn टाइप, ठीक है, टाइप अगर है तो ठीक है, अदरवाइज प्राइमरी, ठीक है, टाइप में अगर वैल्यू आ जाती है तो ठीक, अदरवाइज प्राइमरी, और टेक्स्ट की अगर वैल्यू है तो ठीक, अदरवाइज। सेव किया, एक तरीका ये है और एक तरीका जो है वो है आप इसको भी खत्म करें, आप इसको भी खत्म करें, ठीक हो गया। अब अगर टाइप की वैल्यू आएगी तो टाइप और टेक्स्ट की वैल्यू आएगी तो टेक्स्ट, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई वैल्यू नहीं भेजते हैं तो टाइप भी अनडिफाइंड है और टेक्स्ट भी अनडिफाइंड है,
ठीक है। तो आपने क्या करना है, टाइप इक्वल टू प्राइमरी और टेक्स्ट इक्वल टू बटन, इसको डिफॉल्ट वैल्यूज कहा जाता है। ठीक है, एक ही चीज करने के काफी सारे तरीके हैं और ये सारे तरीके आपके ऊपर से भी गुजर रहे हैं। ठीक है, फुल मदहोशी वाला आलम है कि कुछ समझ नहीं आ रही है, तो ये सब चीजें वैल्यू को पास करेंगे तो ठीक, अदरवाइज प्राइमरी बटन बन रहा होगा और साथ साथ आपके पास ये डिफॉल्ट आपके पास टेक्स्ट जो है वो बटन आ रहा होगा। अब ये आपके पास कोड सामने है, जिस चीज की समझ नहीं लगी वो पूछिए। प्रॉप्स एज अ एट्रीब्यूट हम पास करेंगे, ठीक है। प्रॉप्स कंपोनेंट में जो है, कंपोनेंट में आप एट्रीब्यूट जो पास करते हैं वो एक्चुअल में प्रॉप्स कहलाते हैं, ठीक है। आपने यहां से क्या पास किया, टाइप, और यहां से क्या पास किया, टेक्स्ट। आपने दो प्रॉप पास किए। इस बटन कंपोनेंट के अंदर आपको पैरेंथेसिस में प्रॉप्स मिलेंगे, ठीक है। पैरेंथेसिस में आपको प्रॉप्स मिलेंगे फर्स्ट पैरामीटर में हमेशा। प्रॉप्स आपके पास एक ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट में आपने क्या पास किया, एक टाइप पास किया और एक आपने टेक्स्ट। टाइप की वैल्यू आपके पास ये है और टेक्स्ट की वैल्यू आपके पास जो भी आप ऐड कर रहे हैं। क्या चीज, ये प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट के अंदर, आप एक प्रॉपर्टी ऐड कर रहे हैं और ये उसकी वैल्यू आपने ऐड कर दी। ये भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का नेम है और यह प्रॉपर्टी की वैल्यू है। क्या चीज, क्या चीज जी, जी नहीं नहीं यहाँ पे हम तीन लिख दें, एबीसी लिख दें, एक्स वाई जी लिख दें जी। जिस तरह एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर आपने खुद से प्रॉपर्टी को ऐड किया, ठीक है। लेकिन बात फिर वो ये रहती है कि आप इंटरनेशनल कन्वेंशन वर्ड्स को यूज करेंगे, ठीक है, जो बाकियों को भी समझ में आए। आपने खुद से कंपोनेंट बनाया, उसमें प्रॉपर्टी ऐड कर दी ए बी सी डी, वो सिर्फ आपको ही पता, किसी और को नहीं पता है, ठीक है। लेकिन टाइप का सबको ही पता लग रहा होगा कि टाइप क्या बन रही होगी, टेक्स्ट से पता लग रहा है कि उसमें टेक्स्ट क्या आ रहा होगा, ओके। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ओके। अब ये प्रॉप्स जो है एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में आप एक टाइप प्रॉपर्टी ऐड कर रहे हैं और एक आप टेक्स्ट प्रॉपर्टी ऐड कर रहे हैं। प्रॉप्स आपको यहाँ से मिल रहा है और प्रॉप्स में से आपने टाइप को डीस्ट्रक्चर किया और टेक्स्ट को डीस्ट्रक्चर किया, साथ ही साथ आपने डिफॉल्ट वैल्यू ऐड कर दी, ठीक है। अगर तो टाइप आ जाए तो टाइप है, अगर टाइप की वैल्यू फॉल्स है, अनडिफाइंड है, कुछ भी है, तो वो क्या है आपके पास, फिर प्राइमरी है। और इसी तरह टेक्स्ट की भी आपने डिफॉल्ट वैल्यू ऐड कर दी। अब अगर फ्रंट एंड से, मींस के कंपोनेंट से आप टाइप भेज रहे हैं तो टाइप की वही वाली वैल्यू आएगी। अगर फ्रंट एंड से या उस कंपोनेंट से आपने कुछ भी नहीं भेजा तो फिर आपकी वैल्यू क्या बन रही होगी, प्राइमरी बन रही होगी जी। आप पूछें कोई सवाल, एनीवन जी। कोर फाइल भी बना के उसके अंदर ना एक ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर फॉर लूप का के ऑटोमेटिकली हमें ये हासिल और इधर सेव होते हैं। दोबारा रिपीट कीजिएगा। एक कम यानी एक मेन फाइल बनाए जी, उसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाए और वो सारे जो ऑब्जेक्ट ना वो वन बाय करके ना फॉर लूप के थ्रू हम भेजते रहे और वो यहाँ पे आके सेव होते हैं। हो सकता है, हो सकता है, अभी हम कर लेते हैं। वैसे हमने उस पे ही आना था, कॉन्स्ट एरे इक्वल टू, ठीक हो गया। इसमें एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में आपके पास टाइप आपने कह दिया प्राइमरी और टेक्स्ट आपने कह दिया प्राइमरी बटन। अब यहाँ पे एक्चुअल में लूप नहीं चलेगी, फॉर लूप नहीं चलेगी, यहाँ पे अब आपका मैप चलेगा, ओके। प्राइमरी सेकेंडरी डेंजर बस कह दिया, ठीक है, तीन हमने कह दिया। इस जगह पे आके कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को यूज करने लगे हैं, एरे वर्ड है, एरे डॉट मैप, एरे डॉट मैप मेथड जो वो एरे का है, आप एरे में ही सिर्फ यूज कर सकते हैं,
यानी कि एरे वेरिएबल के नेम में कोई भी वेरिएबल नेम हो लेकिन उसकी डाटा टाइप क्या बनेगी, एरे बनेगी। डॉट मैप, ये एरे डॉट मैप चल चुका है, इसके अंदर आप एक कॉल बैक फंक्शन को यूज करेंगे। कॉल बैक फंक्शन जो है वो आपका ये कॉल बैक फंक्शन कहलाता है, ठीक है, एनोनिमस एरो फंक्शन ये कहलाता है कॉल बैक फंक्शन, क्योंकि कॉल बैक चल रहा है और साथ में वैसे ये विदाउट नेम है। एरे डॉट मैप, उसके अंदर आपके पास एक एरो फंक्शन बनेगा, ठीक है। इस एरो फंक्शन के अंदर फर्स्ट में जो है वो आपको वन बाय वन करके इसके अंदर का फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। अब वो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग आ रहा होगा, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आएगा, मीन्स कि जो भी इंडेक्स जीरो, इंडेक्स वन, इंडेक्स टू, इस तरह करके इसको आप कहते हैं बेशक एलिमेंट। सेकंड पैरामीटर में आपको मिलेगा इंडेक्स, ठीक है, और थर्ड पैरामीटर में आपको क्या मिलेगा, एरे, एज इट इज ये एरे मिल जाएगी हर बार, ठीक है। बहरहाल हम मैप मेथड में दोबारा आएंगे, अभी सिर्फ एलिमेंट और आई, आई से मुराद इंडेक्स। आप इसको कर दें रिटर्न और रिटर्न में लिख दें बटन। एरे की कितनी लेंथ है, तीन है, तीन है, एरे की तीन लेंथ है, तो ये जो एरे जो है ये तीन बार ही चलेगा, ये तीन बार लूप चलेगी और हर बार आपका एक बार ये बटन बन जाएगा। आप अब इस सारों को खत्म कर दें, सेव किया तो यहाँ पे तीन बटन आ रहे हैं, देखिए, ठीक है। हर एलिमेंट के अंदर आपको फर्स्ट टाइम टाइप प्राइमरी मिलेगी, सेकंड टाइम सेकेंडरी, और फिर थर्ड टाइम आपको ये डेंजर और उसी तरह टेक्स्ट आपका। बटन में टाइप जो है एलिमेंट डॉट टाइप और टेक्स्ट जो है एलिमेंट डॉट टेक्स्ट। अब सेव किया तो ये प्राइमरी बटन, सेकेंडरी बटन और ये आपके पास डेंजर बटन। तो ये मैप मेथड की मदद से आप इस तरह चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। बहरहाल मैप मेथड वैसे मैंने आपको टेबल में दिखाना है कि टेबल में डाटा आप लोग किस तरह हैंडल कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्टूडेंट्स का डाटा है, ठीक है, जितने भी डाटा होता है ना, जो कलेक्शन जो बन रही होती है वो एरे ही बन रही होती है। एरे के अंदर फिर आपके पास ऑब्जेक्ट आ रही होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्ट स्टूडेंट इक्वल टू ये नेम है अहमद और एज है 20। बिलाल, हाँ जी बिलाल भी, आपकी एज क्या है, मुझे लगा था छोटे होंगे। हमजा, इसको 22 कर दे। कासिम, इसको आप 25 कर दे। स्टूडेंट्स को आप लोग एक टेबल में ले, टेबल में लाने के लिए बूटस्ट्रैप का टेबल उठाएं, इसको कॉपी कर लें, यहाँ पे कर दें पेस्ट। जहाँ जहाँ वर्ड क्लास यूज हो रहा है उसको हमने क्या कर देना है, क्लास नहीं। टी हेड आपका एक बार ही रहता है, टी फुट इसमें है कोई नहीं। डेटा चेंज जो हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, हर बार एक न्यू रो बस होती है, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वही। ये आपका वो आ गया, ये आपका नेम आ गया और ये आपकी एज को खत्म कर दें। उसी तरीके से आप इसको भी खत्म कर दें, इसे भी खत्म कर दें और सीरियल नंबर और ये डी आपके पास हो। जहाँ जहाँ ये स्कोप कॉलम वगैरह यूज हो रहा है इन सबको खत्म कर दें, इसकी आपको जरूरत नहीं है। जहाँ जहाँ स्कोप रो आ रहा है इसको भी खत्म कर दें, इसकी भी जरूरत, ठीक हो गया। सेव किया तो आपके पास देखें ये टेबल आ गया, लेकिन डाटा हमें कौन सा चाहिए, जो हमारे पास एरे स्टूडेंट्स में मौजूद है। तो उसको अचीव करने के लिए टी बॉडी, टी बॉडी के अंदर स्टूडेंट्स डॉट मैप, वन बाय वन करके आपको स्टूडेंट मिलते हैं,
ऐसे ही है, मीन्स के वो एलिमेंट मिल रहा होगा या ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा। और सेकंड पैरामीटर में आपको क्या मिलता है? इंडेक्स। इंडेक्स आपका कहाँ से शुरू होता है? जीरो। यहाँ पे आप लोग रिटर्न करते हैं, रिटर्न आप लोग ये टी आर को करते हैं। यहाँ पर आप लोग लिखते हैं सीरीज बनती है इंडेक्स। यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट डॉट नेम और यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट डॉट एज, इस सब को आप लोग खत्म करते हैं। स्टूडेंट्स का डाटा वन बाय वन करके रेंडर होगा, लूप चलेगी। सबसे पहले स्टूडेंट फर्स्ट आएगा, फिर स्टूडेंट सेकंड आएगा और फिर स्टूडेंट आपका थर्ड आएगा, जितने भी स्टूडेंट होंगे। तो ये डाटा आ गया, ठीक है, अहमद, बिलाल, हमजा और ये कासिम। लेकिन सीरीज देखें जीरो से स्टार्ट हो रही है, इसको हम कैसे वन से लेकर आ सकते हैं? प्लस वन हम लगा देंगे, इंडेक्स प्लस वन। जीरो है तो वन हो जाएगा, वन है तो टू, टू है तो थ्री, थ्री है तो फोर हो जाएगा। ये बटन में से आपके पास प्रॉप्स आ रहे हैं, इसको कंसोल आप खत्म करते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं तो सी एल को स्टूडेंट्स सेव किया, पेज को रिफ्रेश करें तो ये देखिए। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप, ठीक है। एक हमने प्रॉप ऐड करना है, उस प्रॉप की, प्रॉप का नेम क्या होगा? की। और उसकी वैल्यू जो है हर एलिमेंट की यूनिक होनी चाहिए। तो हर एलिमेंट की या हर एक इस टी आर की हमें बनानी है यूनिक। तो हमारे पास यूनिक डाटा क्या आ रहा है? इंडेक्स आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इंडेक्स पास कर देना, सेव किया, पेज को रिफ्रेश करें। तो अब वो अभी भी कह रहे हैं, अब वो किसका कह रहे हैं? बटन का। तो हमने क्या करना है यहाँ पे भी, मीन्स के जब जब आप मैप चलाएंगे तो उसका टॉप जो एलिमेंट होगा उसमें आपने प्रॉप पास करना है की, और वैल्यू जो होगी उसकी हमेशा यूनिक होनी चाहिए। इससे ना वो आइडेंटिफाई करता है, रिएक्ट एप्लीकेशन खुद जो है ना वो आइडेंटिफाई करती है कि ये जो एलिमेंट है ये यूनिक है, ठीक है। मीन्स को उसको टारगेट करने के लिए या उसको रेंडर करने के लिए जो भी वो इंटरनली कर रहे हैं, पर ये लाजमी है, नहीं करेंगे तो आपको एरर आ रहा। जी क्लियर है, कोई सवाल हो? जी ऑनलाइन वाले, आप में से किसी का कोई सवाल हो? एनीवन? तो इसमें से हमारे पास है एरे फंक्शन भी हो गया, वेरिएबल भी, एरे मेथड्स लाइक मैप भी हो गया, डीस्ट्रक्चरिंग भी हो गया, टर्नरी ऑपरेटर भी हो गया, स्प्रेड ऑपरेटर। हम आगे बढ़ेंगे जब हमें हमारे पास वो चीज़ आ जाएगी। मॉड्यूल जो है वो जो भी आपका यानी कि कंपोनेंट है उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो आप कहीं और पे इम्पोर्ट कर सकते होंगे, ठीक है। इम्पोर्ट करने के लिए उस कंपोनेंट को या उस फाइल को एक्सपोर्ट करना ज़रूरी है, उसके बगैर पॉसिबल नहीं। हमने प्रॉप्स को देख लिया था, वो डी स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। ये डी स्ट्रक्चर कहलाता है, मीन्स के अगर एरे होती तो एरे का जो इंडेक्स जीरो होता वो सबसे पहले ये इंडेक्स जीरो वो बन रहा होता, फिर इंडेक्स वन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एरे है, ठीक है। तो एरे को हम किस तरह बनाते हैं? स्क्वेयर ब्रैकेट से। तो यहाँ पे ये स्क्वेयर ब्रैकेट्स आता। अब एरे में से इंडेक्स जीरो की जो वैल्यू आप निकालते हैं ना वो इस तरह निकालती होती, फिर इंडेक्स वन की वैल्यू, फिर इंडेक्स टू की वैल्यू, ठीक है। मीन्स के आप यहाँ पे ए बी सी लिखते हैं, यहाँ पर कोई भी वैल्यू ऐड करते हैं, तो ये जो है अब इंडेक्स जीरो की वैल्यू इसमें से आपको ए बी सी में मिल रही है, इंडेक्स वन की वैल्यू और ये आपके पास इंडेक्स टू की वैल्यू। अगर होगी तो इसमें स्टोर होगी, ना होगी तो आपके पास ये अनडिफाइंड आ रहा होगा। ये एरे को डिस्ट्रक्चर करते हैं और इस तरह आप ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करते हैं, ठीक है। यही दो डिस्ट्रक्चर होते हैं, होता है। क्लियर है? कोई सवाल या कोई जवाब या कोई पक्का पक्का जवाब देना है?
सर बात सो भी रहने दो। हाँ जी समझ आ रही है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, अगर तो वो कर रहे हैं ना तो फिर ही फायदा है। मतलब तो मैं पहले दिन से आप लोगों को कहता आ रहा हूँ कि प्रैक्टिस कर रहे हैं फिर फायदा है इसको करने का, नहीं कर रहे हैं तो आपको समझ ही नहीं आनी है। अब देख लें आप लोगों के सामने पहले दिन बैठने की जगह नहीं थी, ठीक है, अब जहाँ मर्जी बैठ जाए लेट जाए कोई टेंशन नहीं है। तो दरमियान में हमारे पास कुछ ज़्यादा वो भी आए थे जिनको HTML CSS पहले आती है और वो JavaScript और React को करना बस चाह रहे थे। तो बहरहाल अगर वो भी ना आते तो शायद हमारे पास आधे रहते बस आप में से भी, ठीक है, और एंड तक कितने रहेंगे वल्लाहु आलम। ठीक है, ये आपका दिसंबर तक ख़त्म हो जाना इंशाल्लाह, अक्टूबर आपका, हमारा ये स्टार्ट हुआ था जून में, हुआ था हमारी जून में पहली क्लास में, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 7 महीने, है ना, 6 से 8 महीने का ड्यूरेशन होती है, तो 7 महीने में हमारा कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। रिएक्ट होगी एक किस्म की रिएक्ट में और कुछ भी नहीं है इसके अलावा, ठीक है जी। मतलब ना इसके बाद जो आपके मेन जो हुक्स हैं और फिर हुक्स में से यानी कि फॉर्म्स का डाटा किस तरह आपने गेट करना है, ठीक है, कह लें कि नेक्स्ट 2 वीक्स में आपकी ये रिएक्ट कंप्लीट हो चली है फुल फ्लेज, उसके अलावा रिएक्ट में कुछ भी नहीं लगता, ठीक है। फिर नेक्स्ट नवंबर जो आना है आपकी इंशाल्लाह 2 हफ्ते में फायरबेस कंप्लीट हो जानी है जी, रिएक्ट नेटिव आपकी 1 हफ्ते में कंप्लीट हो जाती है। जिसको रिएक्ट आती है ना उसके लिए रिएक्ट नेटिव नहीं मुश्किल है, ठीक है, रिएक्ट नेटिव बिल्कुल भी नहीं मुश्किल है, उसका सिर्फ एनवायरनमेंट आप लोग फर्स्ट टाइम रिएक्ट का एनवायरनमेंट हमने किस तरह सेटअप किया, नोड जेएस को इंस्टॉल किया और साथ में आपने npx क्रिएट रिएक्ट ऐप करके एप्लीकेशन को क्रिएट कर लिया, उसका जो एनवायरनमेंट सेटअप करना ना वो बहुत मुश्किल है, ठीक है। उसके लिए आपको एंड्रॉयड स्टूडियो करना पड़ता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर करने पड़ते हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज करनी पड़ती हैं, तो फिर जाके आपके कहीं एप्लीकेशन क्रिएट होती है। अगर आपका एक स्टेप भी जान के या गलती से गलत हो गया या मिस हो गया तो आपको कह लेंगे एक किस्म का शुरू से ही करना पड़ जाता है, ठीक है, और मतलब इस तरह की चीज़ है। लेकिन ये है कि वो एक बार हो जाए तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। iOS को उससे भी मुश्किल है, पर रिएक्ट नेटिव की डेवलपमेंट जो है ना, जो सही मज़े की डेवलपमेंट है, वो मैकबुक में है, ठीक है, उसमें फास्ट है डेवलपमेंट। आप लोग विंडोज़ में iOS की एप्लीकेशन नहीं क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैकबुक में आप लोग iOS के लिए भी और विंडोज़ के लिए भी दोनों के लिए कर सकते हैं। तो इस वजह से डेवलपर्स के पास अक्सर मैकबुक ही वो यूज़ कर रहे होते हैं, अक्सर क्या मोस्टली पहले मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स मैकबुक ही यूज़ कर रहे होते हैं। मैकबुक जो है आपका अल्लाह भला करें कम से कम तो अगर बजट की बात की जाए और ब्रांडेड में यूज्ड में वो कह लें तकरीबन 3 तक की अगर लें तो फिर काम होगा, नहीं तो वो स्लो, क्योंकि रिएक्ट नेटिव के लिए ना आपके पास बहुत टाइम वो बहुत अच्छा और हैवी परफॉर्मेंस वाला सिस्टम चाहिए होता है। वो फिर यही का गुजारा ही होना है आपका, एक वक्त आपका खुद ही आना है कि मैंने काम करने नहीं है, ठीक है, वो बंदा इतना बदजन हो जाता है ना एक किस्म का, तो बहुत ही स्लो डेवलपमेंट हो रही है, मज़ा नहीं आता उसमें। हाँ अलबत्त जब तक नहीं है तो रिएक्ट और एंड्रॉयड का ही बस प्रोजेक्ट करिए उसको करें, और जब अल्लाह देगा तो फिर मतलब इसी से ही हमने कमाना है और इसी को ही लगाना है, ठीक है। मेरे पास भी कह लें नहीं था पहले, ठीक है, तो उसके बाद अल्लाह ने इसी में से यानी कि हमने अर्न किया और इसी से फिर हमने लिया है। ठीक है जी, जज़ाकअल्लाह खैरा।